ओए उठ, पता नहीं पार्क में सोना मना है। मैं उठना हराम खोर ही बताऊं। अरे क्या हो गया, अपनी मर्जी से अब सो भी नहीं सकते क्या हैं? पुलिस वाले के सामने जबान चलाएगा, अभी अंदर कर दूंगा। अंदर करने का डर आ रहा है, डर आ रहा है, डंडे से डर आ रहा है ना, डर आ रहा है। अरे अरे सिलर से तो बेहतर है तू मुझे मार दे यहाँ पे। मार 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 दे, मार ना। मैं तुझसे नहीं डरता, मैं तुझसे नहीं डरता, ये अल्लाह की जमीन है, मुझे यहाँ सोने नहीं देता तू। पहले सब खा गए, तू भी खा रहा है। सलाम साहब, ये 786 है, सारा झंडी मिक्स है, अपना झंडी चांता फिक्स है। ये चीन है, बड़ा बेदीन है, अमरीका हर तरीका, हर सोल्जर बाजार था ना फिक्स है। लूट लिया सालो तुमने, लूट लिया, कहाँ गए, कहाँ गए? वाह कादिर भाई वाह भाई, क्या कमाल की एक्टिंग की है, क्या जबरदस्त सीन किया है भाई, वाह है ना? ओ भाई इस सीन के बाद ना सेट पे तालियां बज गई थी। आगे सुनो, डायरेक्टर प्राउड ही है, किसी के लिए नहीं उठता। इस सीट से उठा, मेरे पास आया और गले लग गया। अच्छा हाँ, जानता है मुझे क्या बोल रहा था? क्या कहता? कादिर भाई तैयारी पकड़ लो। तैयारी? आपको बहुत भारी जिम्मेदारी देने वाला हूं। अरे भारी जिम्मेदारी यार, बड़ा रोल। पिछले 15 सालों से मैं ये बात ही सुन रही हूँ, अल्लाह जाने कब वो डायरेक्टर आपको भारी जिम्मेदारी देगा और कब आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे। वैसे कादिर भाई एकदम दिमाग में एक सवाल आया। हाँ पूछो। आपने एक्टिंग कब और कहां से शुरू की? मेरा मतलब है कि हमारे खानदान में और आपके खानदान में दूर दूर तक कोई शोबिज इंडस्ट्री में तो नहीं रहा। हाँ, अच्छा सवाल है, अच्छा है, बहुत लोग पूछते हैं। अरे यार जावेद, अम्मा को अल्लाह जन्नत नसीब करे यार, ये सब उनकी दुआएं। सूजी का हलवा बहुत अच्छा बनाती थी वो, हैं? अच्छा बचपन में उस सूजी के हलवे के लालच में हमसे एक्टिंग करवाती है, और हम उस लालच के चक्कर में एक्टिंग करते थे, फिर एक्टिंग करते गए करते गए करते गए कब जुनून बन गया पता ही नहीं लगा। कादिर भाई मैं पूछ रहा था, अगली शूटिंग कब है आपकी? काफी दिन हो गए आपके साथ गया नहीं ना। हाँ अगली, अरे अरे चलेंगे ना यार। अरे चेक तो करना अपने कादिर भाई का स्टाइल सेट पे। अरे उठ उठ के सलाम पढ़ते हैं यार, उठ उठ के चलना जरूर। अरे तौबा करो जावेद, मुश्किल से 2 से 3 सीन तो होते हैं इनके, और वो प्रोडक्शन वाले बेड़ा गर्क जाए उनका, रात रात गए बिठाए रखते हैं। रात रात भर? रात रात भर? अरे आपा, ये जो जूनियर आर्टिस्ट होते हैं ना, इनके साथ ऐसा ही सलूक होता है। क्या बोला तुमने? नहीं ये अभी क्या बोला तुमने? जूनियर आर्टिस्ट किसको कह रहे हैं? क्या मतलब जूनियर आर्टिस्ट यार हैं? अरे भाई तुम कौन हो कौन तुम? अरे टीवी देखने से एक्टर नहीं बन जाता कोई। ओ भाई या तो मुझे वो तराजू लाके दिखाओ जिसमें कोई ये तोल सके कि सीनियर कौन है और जूनियर कौन है कोई तुम्हारे पास? बात करता है। आप कादिर भाई, आप मेरी बात का गलत मतलब समझे, मैं तो बस। और नहीं तो क्या, सही तो कह रहे हो, क्या गलत कह रहे हो तुम जावेद? इनके काम का क्या पता, आज है कल नहीं है, बल्कि 2-2, 3-3 महीने हमें इंतजार करना पड़ता है, राह तकते हैं हम। सीमा ऐसे तो जिंदगी कभी कोई भरोसा नहीं है, तो क्या जीना छोड़ दें? हैं मर जाएं क्या? अरे कादिर भाई कहां की बात कहां ले आए आप? देख जावे ये ड्रामा किसने रचाया है ना, मैं सब समझता हूँ, और तुम किसके कहने पे ये सब बोल रहे हो मुझे अच्छी तरह समझ, और मैं बच्चा नहीं हूं, मेरे घर में मेहमान आया हुआ है, तू चुप करा हुआ तेरी इज्जत में, लेकिन सब जानता हूं। कादिर भाई आप बिना वजह मेरी बात पे शक कर रहे हैं,
मैं तो बस ये कह रहा हूँ कि अगर आप चाहें तो मैं अपनी कंपनी में आपकी जॉब की बात कर सकता हूँ। जिस दिन आपकी शूटिंग हो उस दिन बेशक आप छुट्टी कर लीजिएगा। अरे शूट होती ही कितने दिन है इनकी जो ये छुट्टी कर लेंगे। देख सीमा, मैंने तुझे बीसियों बार मना किया कि मेरे काम के बीच में मत बोला कर, और जावेद खुदा के लिए मेरे मामले में ना पड़ यार, ना पड़। क्या जरूरत है तुझे, मैं अपना अच्छा बुरा समझता हूँ, खुदा का वास्ता दोबारा ऐसे ना करना वरना अच्छा नहीं होगा। मैं हर वक्त बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। क्या हाल है बाबू भाई? अरे अल्लाह का शुक्र है, आप सुनाओ। एक पान तो खिलाओ यार। क्या बात है कादर भाई, क्या बात है आपकी भाई। रात को टीवी पे आपके दर्शन हुए और सुबह बादर है? कौन सा ड्रामा देखा था? यार कादर भाई बड़ा अच्छा ड्रामा था, वो क्या नाम है उसका यार, वो उस चैनल से आता है ना यार, जिसमें आपने गोरखन का करेक्टर किया। अरे बाबू भाई यार, ये भी कोई भूलने वाला नाम है, गोरखन कब्रिस्तान यार। कमाल हो गए। वैसे एक बात है कादर भाई, क्या जम की एक्टिंग की है। अरे कसम अल्लाह पाक की, मैं तो ये समझा शायद आप वाकई गोरखन। बस बाबू भाई, ये एक्टर की ना जिंदगी यही होती है, मुताला मुशाहिदा दोनों की खिचड़ी बना देते हैं, जो कर सके कर दिया, बाकी इज्जत तो अल्लाह रखने वाला है। वैसे एक बात है, ये जान के बड़ी हैरत हुई कि यार आप अपने ड्रामे ही नहीं देखते। अरे बाबू भाई, आपको ये किसने कह दिया यार, देखते हैं। एक एलसीडी साली खराब क्या हो गई, पन्ने दी हुई है और इसमें मेरा क्या कसूर हो गया है। साले चाइनीज माल है, दिखाते कुछ हैं बेचते कुछ हैं। और हाँ, जब बहुत दिल करता है ना अपना कोई काम देखने को, पैकेज लगा के मोबाइल पे देख लेते हैं, इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है, नई टेक्नोलॉजी है। इसके बाद हुआ ऊपर वाले का करम है, वही इज्जत रखता है। अच्छा बहुत बाबू खादर भाई, के ये हम तो खा लो, हाथों की ग्लोरी लाऊंगा। ये बताएं कि कुछ मेहरबानी कर रहे हैं या खाते में लिख दूं? खाते में डाल दो यार बाबू भाई, मैं खाते में लिख देता हूँ। अब मैं चलता हूँ। हाँ आप चला चला। कहीं बात बनी? अभी घर के अंदर दाखिल, छुरी तले दम तो ले ले। कह रहे हैं 3-4 दिन में बता देंगे। कैसे फिक्र ना कर, अगले महीने आपदा अपनी बेटी की शादी कर रही है, लेन देन होगा वहां, और ये नजमा आंटी रोजाना किराया मांगने सर पे खड़ी हो जाती हैं। घर में राशन खत्म होता जा रहा है, किचन में जाके देखो दाल चावल आटा सब खत्म हो गया है। अल्लाह बड़ा बाज। बेशक वो तो है, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा सब ठीक कैसे होगा। पिछले हफ्ते एलईडी बेच के गुजारा किया, अब क्या बेचोगे? मैं तो कहती हूं कि मुझे ही बेच दो, कम से कम इस अजाब खाने से जान तो छुटेगी मेरी। क्या ऑल फॉल बकरी, दिमाग तो खराब नहीं हो गया तेरा? अरे काय हो जाएगा तो हो जाएगा ना, सब्र तो कर ले, सब्र भी नहीं होता तुझसे। कब हो जाएगा सब ठीक? सुनते सुनते कान थक गए हैं मेरे। ठीक हो जाएगा, मुझे नहीं लगता कुछ ठीक होगा। मेरी ही किस्मत फूटी थी जो तुमसे शादी कर ली। क्या? अच्छा तो तू क्या चाहती है? हाँ बोल,
तलाक दे दूं तुझे? बोल ना, बोलती क्यों बंद हो गई तेरी? और हाँ, मैं नहीं आया था तेरे दरवाजे पर रिश्ता लेकर, तेरा तेरे बाप ने बांधा है तुझे मेरे समय। अभी करियर स्टार्ट नहीं हुआ था कि इतनी जिम्मेदारियां पड़ गई, कभी उसका सोचा है तूने? करियर पूरा करता हूं मैं, बात करती है। सीमा, कितनी बार समझाया? हाँ, ये मेरे आगे किस्मत का रोना मत रोया कर, ये जा घूम जाता है मेरा, मैं क्या करूं? 15 साल में तुझे इतनी भी समझ नहीं आई मेरी? लाख बार समझाया, तेरी खोपड़ी में नहीं बैठता, मायूसी कुफर है, कुफर, रब नाराज होता है, तू नहीं समझती, फिर वही टेक 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 लगी रहती है। और तू क्या समझती है कि रब को नाराज करके तुझे खुशी मिल सकती है? नहीं, चल। कादर भाई। हाँ भाई सोहेब, क्या चल रहा है गुड्डू? क्या चलेगा, लगे हुए हैं काम काम बस काम। आप बताएं। चल रहा है यार। ये बता, हमसे कोई खता हो गई है क्या? हैं भाई, हमें भी खिदमत का मौका दो। प्रोडक्शन चल रही है हैं? और भाई को पूछा भी नहीं? कोई नाराजगी तो नहीं है? अरे कोई नाराजगी नहीं है कादर भाई, आपसे क्या नाराजगी हो सकती है? पता है आपको, ग्रैंड सीरियल कर रहा हूँ। हीरो के बाप के लिए ना आपका नाम सजेस्ट किया था, बजट भी बम फाड़ था, लेकिन नहीं भाई। टैलेंट से कुछ नहीं होता, टैलेंट गया भाड़ में। आपको पता ना, यहाँ चलता है फेवरेटिज्म बूट पॉलिशी। डायरेक्टर ने कैरेक्टर किसी बूट पॉलिशी को दे दिया, बोला भी कादर भाई से करवा लो, कमाल के एक्टर है, 4 चांद लगा देंगे, लेकिन नहीं माना। अच्छा चल कोई नहीं। अरे क्या कोई नहीं कादर भाई, जिंदगी संवर जाती है आपकी। 20 से 25 दिन का काम था, बजट भी तगड़ा था। ये समझ लें, सीरियल से जो भी जुड़ा हुआ है ना, समझ लो लॉटरी लग गई है उसकी। अरे इसका क्या फर्क पड़ता है यार, हैं? रब बहुत बेपरवाह है, बहुत बड़ा बादशाह है, क्या समझे हैं? क्यों, एक दर बंद होता है ना तो हजारों दर खुल जाते हैं। अरे कादिर का एक असूल है, हाँ? नो फिगर, नो टेंशन, ओनली वर्क। टेंशन तुम तो समझते हो, हाँ? पते की बात है भैया। हाँ कादिर भाई, टेंशन आने में जैसे कुछ गैप्स वगैरह होते हैं ना, तो मैं आ जाता हूँ। उसमें पीते हैं चाय? क्या है, चाय का क्या भी लेंगे? हाँ हाँ हाँ, ठीक ठीक, तुम जाओ। हाँ सुन, नजर में रखी हो, कहीं चांस लगे। टैलेंट पड़ा हुआ है भाई में, तू तो जानता है कादर भाई की गेम। ठीक है जी भाई। हाँ ओके।
लो कट गई बिजली। वाह, और ये यहाँ पड़े आराम से सो रहे हैं, जाएं जाकर देखें लाइट काट के चले गए हैं। क्या हो गया, क्या किया मता के? क्या सुबह सुबह सर पे तूने मेरे रेडियो ऑन कर दिया? बिल ना जमा करवाने की वजह से लाइट काट के चले गए हैं हमारी। मैं तो कहती हूँ किसी सर्कस में ना जोकर का काम कर ले, कम से कम चार पैसे तो घर में आएंगे। तू क्या चाहती है कि दो चार पैसों के लिए मैं कुछ भी कर लूं? शर्म आनी चाहिए तुझे, हर वक्त पैसा 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 पैसा, कभी इसके अलावा भी मुझसे कोई बात कर लिया कर। अरे वाह, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बड़ा काम करते हैं। कभी किसी में पुलिस वाले बने हुए होते हैं, कभी कसाई बने हुए होते हैं, कभी मोची, बल्कि कभी कभी तो फकीर बने हुए होते हैं भीख मांगते हुए। बात तो ऐसे करते हैं जैसे बड़े सुपरस्टार हो। स्ट्रगल कहते हैं इसे, स्ट्रगल, देख लेना। और जब ये स्ट्रगल अपना रंग लाएगी ना तो मैं तुझसे पूछूंगा, तब तेरे आगे पीछे नौकरों की फौज होगी, फौज, लिख ले। और बाहर ना तेरी अपनी गाड़ी खड़ी होगी ड्राइवर के साथ, फिर ना जब तू टिप टिप करती उस गाड़ी में बैठेगी ना, ड्राइवर को कहेगी सुने मुझे शॉपिंग जाना है, मुझे ले चले बाजार, सुने मुझे सिनेमा ले चलो फिल्म देखनी है, तो तब मैं तुझसे पूछूंगा। मजाक ना उड़ाया कर मेरा। बस बस, बहुत दिखा दिया आपने मुझे ये ख्वाब 15 सालों में। यही ख्वाब दिखा दिखा के जिंदगी के 15 साल मेरे बर्बाद करके रख दिए। अब और नहीं मैं सुनने वाली ना बर्दाश्त करने वाली हूँ, जिंदगी अजीरन हो गई है मेरी। शादी के इन 15 सालों में कोई लम्हा एक ऐसा नहीं आया जिसमें मुझे सुकून का सांस मिला हो। तू अकेली नहीं है सीमा, सारी दुनिया की बीवियों का यही रोना है, उन सबकी एक ही शिकायत है कि शौहरों से कभी सुख नसीब नहीं। कमाल है। अच्छा युवा, खुदा ने मुझे बे औलाद रखा, औलाद नहीं दी, वरना वो भी ना इस दुनिया में आके तुम्हारे शौक की नजर हो जाता, भूखा प्यासा मर जाता। ओ खुदा का खौफ कर, खुदा का खौफ कर, क्या बकरी है, कभी तो अपने मुंह से कोई अच्छी बात निकाला कर। सुबह सुबह रातें इस तरह से शुरू होता है। कभी कोई ढंग का काम नहीं किया इस शख्स ने, अब पता नहीं बगैर नाश्ता किए कहां चले गए हैं। मेरी तो जिंदगी अजाब हो गई है इस शख्स के साथ। क्या हुआ कादर भाई, 4 महीने पहले तो न्यू निकलवाई थी, अब ऐसा भी क्या हो गया जो बेचने खड़े हो गए? अरे ऐसी कोई बात नहीं है चन्ना यार, शूटिंग में तो मैं इसको अपने साथ लेके जाता नहीं ना, वार्डरोब होती है ना, कोई एक सीन थोड़ी करता है तेरा भाई, इतने सारे कपड़े ले जाने होते हैं ना। और वैसे भी यार जब तेरा भाई टैक्सी से बाहर निकलता है ना, उसका भरम ही और होता है। शोबिज समझ रहे, शोबिज क्या होता है, शो बिजनेस। अरे भाई जो दिखेगा वही बिकेगा ना, और ये खड़े खड़े ना तेरी भाभी को खलने लग गए, ये सोचा आज ही निकाल समझे। अदर भाई पैसे बहुत टूट जाएंगे, आपको तो पता ही है, मुझे खुद भी बहुत शर्म आ रही है, इतने पैसे नहीं मिलेंगे। अरे तू जो भी पैसे देगा मैं रख लूंगा, मसला थोड़ी है, हैं समझे क्यों। एक दो तीन चार, है बाबू भाई, अब पुराना खाता खत्म और नया खाता शुरू। कादर भाई बड़ा शुक्रिया आपका, पता है पैसे बिल्कुल नहीं थे, दुकान में माल डालना था। अरे यार बाबू भाई शुक्रिया कह के गाली दे दी जैसे तुमने यार, हैं? अच्छा चलो अब जल्दी से अपने हाथ का पान खिलाओ। सीमा, ओ सीमा, ओ आजा। आ रही हूँ आ रही हूँ। हले, तेरे महीने भर का राशन ले आया। अगर राशन ही लेने जा रहे थे तो मुझे भी साथ ले जाते, मेरी भी आउटिंग हो जाती। हाँ हाँ शाम को ले जाऊंगा, आप खुश? बहुत खुश हूँ। वो मैंने तेरी नजमा आंटी को किराया भी दे दिया और लगे हाथों बिजली का बिल भी भर दिया। ये तो बहुत अच्छा किया। क्या बात है, बाइक अंदर नहीं गई, कहीं जाना है क्या? बाइक? हाँ, वो क्या औरतों को क्या समझाओ, वो इंजन में मसला कर रहा था, मैं मैकेनिक के पास छोड़ा है, 3-4 दिन में ले आऊं। क्या बाइक भी बेच दी? हाँ हाँ, तो क्या हुआ, हाँ कौन सी क्या मत आ गई, ओ भाई खरीदी भी तो मैंने थी। देख सीमा,
वैसे भी ना हमें अब जचती नहीं मोटरसाइकिल, हैं? अब हम गाड़ी लेंगे, गाड़ी हाँ चार पहिए अपने, तो बिला वजह परेशान होती रहती है। भाई वाह कादिर भाई, आपकी एक्टिंग की तरह आप ही के हाथ की बिरयानी का मजा ही और, वाह मजा आ गया। वाकई भाभी आपके हाथ के खानों का तो जवाब ही नहीं। थैंक यू। अरे अरे ऐसे कैसे तुम दोनों मैदान छोड़ के भागने लगे हैं? आराम से पहले खाना खत्म करो और उसके बाद मीठा खा के शहीदों में नाम लिखवाओ। सीमा जी, ना 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 ऐसे मीठा नहीं खाएंगे। मीठा तो हम खाएंगे कादिर भाई की लाजवाब एक्टिंग को देखते हुए। क्यों भाई? आप कादिर भाई शुरू हो जाएं। अरे छोड़ना यार जावेद, ऐसे थोड़ी अचानक से हो जाती है। नहीं नहीं तो माहौल नहीं है भाई। कादिर भाई करके दिखा देना, आप ही कुछ बोलिए। अरे जब सब इतना कह रहे हैं तो थोड़ी सी करके दिखा दें, क्यों भाव खा रहे हैं? सीमा तू भी पागल हो गई है क्या आज? हाँ अरे भाई कोई ऐसे उठ के एक्टिंग थोड़ी हो जाती है। देखो कहानी की एक बुनत होती है, हाँ एक बुनत, फिर कैरेक्टर को समझना पड़ता है, हाँ स्क्रिप्ट होती है, लाइट्स कैमरा डायरेक्टर सेट मतलब ये सब माहौल जब होता है तो अंदर का एक्टर बाहर आता है भाई। यहाँ पे ऐसे थोड़ी हो सकता है, हैं? और मुझे तुम लोगों ने क्या समझा हुआ यहाँ पे, हैं? मैं कोई सर्कस का जोकर हूँ? अरे भाई मैं एक्टर हूँ, एक्टर एंटरटेनर नहीं हूँ। जिसकी जो मर्जी है मुझसे काम करा ले। अरे भाई काम के पैसे लेता हूँ यार मैं, पागल समझा हुआ इन सब ने मुझे। ऐसे कमाल है, मजाक बनाया बता। सीमी कादिर, क्या हुआ कादिर? क्या हुआ? क्या हुआ? क्या हुआ? कादिर, अरे पानी ले गया, जल्दी पानी ले गया। कादिर क्या हुआ? कादिर भाई, एम्बुलेंस, एम्बुलेंस, जल्दी बुलाएं एम्बुलेंस को। कादिर, कुछ बोल दिए, पानी ला ना। कादिर, अरे पानी, पानी, पानी ले, पानी ले। हिला दिया ना, कैसी लगी एक्टिंग? कादिर भाई एक्टिंग? भला ऐसे कौन करता है? हा? अगर आपको सच में कुछ हो जाता तो? अरे तो तेरी मुझसे जान छूट जाती। मेरे तो हाथ पैर ही फूल गए, किस कदर नेचुरल एक्टिंग की आपने। वो मेरा ये एक्टिंग कर करके सांस फूल रहे वो। अरे कमबख्तों, तुम लोगों को खीर के साथ इतना जबरदस्त नमूना पेश किया और क्या चाहिए तुम लोगों को है? एक्टिंग देखनी है, एक्टिंग देखनी है। अगर तुम लोगों को बता के करता तो फिर मजा क्या आना था? तुम्हारे रिएक्शन ही नहीं आ लेते। ओ भाई गुड्डू तुम्हें तो शौक है ना एक्टिंग का। एक्टिंग क्या है? एक्शन रिएक्शन, एक्शन रिएक्शन, है ना? हमने एक्शन कर दिया। सीमा ऐसे नहीं देखो मुझे, इधर से रिएक्शन आ गया। ऐसे खीर बड़ी मजे की थी, अगर एक और मिल जाए। नहीं मिलेगी, सजा आपकी। ले अरे जितनी अच्छी एक्टिंग कादिर भाई ने की है ना उस पे सजा नहीं इनाम बनता है उनका। चुप। अरे तुम लोग इनाम दो ना दो, 14 अगस्त को इस्लामाबाद जा रहा है भाई सितारा इम्तियाज। पानी। यार ये ना कहना इसमें डूब मरो। मैं कहानी
हाँ हाँ जोएब, क्या हाल है भाई? कादर भाई, गुरु निकल पड़ी तुम्हारी, निकल पड़ी। अरे क्या दो महीने बातें कर रहा है यार, क्या निकल पड़ी भाई? लॉटरी कादर भाई, लॉटरी। वो हीरो के बाप के लिए जो एक्टर था ना, डायरेक्टर का पॉलिशिया, उसको अटैक हो गया अचानक से। ओह ओ, तो सुन के बड़ा अफसोस हुआ भाई। अब तबीयत कैसी है? अरे खाक अफसोस हुआ यार, मैं तो बोलता अच्छा हुआ, होना ही ऐसा था उसके साथ। आपको पता है कादर भाई, उस एक्टर की ना सीन से ज्यादा खाने के ऊपर नजर थी, सेट के ऊपर क्या चल रहा है, होना ही था उसके साथ। खैर छोड़ो कादर भाई, काम की बात सुनो। तुम्हारे भाई ने ना वो हीरो के अब्बा का कैरेक्टर हंगामी बुनियाद पर आपको दिलवा दिया है। क्या? अरे मजाक तो नहीं कर रहा यार? और नहीं तो क्या गुरु, मैं तो बोलता हूँ वक्त आ गया है सही मायने में अपनी अदाकारी के जोहर दिखाने का। छा जाओ, हीरो के बाप का कैरेक्टर मिनिस्टर का, वार्डरोब वगैरह तो है ना उसका। अरे यार 18 साल से कोई झक तो नहीं मार रहा है तेरा भाई? अरे कादर भाई सुपरस्टार यार, अरे लाइने लगा देगा वार्डरोब की लाइने यार। वो अच्छा तो नहीं लगता, लेकिन वो पेमेंट का क्या गेम है, ऐसों का क्या सीन है? अबे कादर भाई, अभी काम का बोल रहे थे, अभी काम हो गया, हो जाएगी पेमेंट, भाई के हाथों में एडवांस करवा दूंगा, आओ तो कल मिलते हैं फिर करते हैं। एडवांस? अच्छा सुन जोए, अगर तूने वाकई में मेरा ये काम करा दिया ना, तो मेरी 7 नस्लें तुझे सलाम करेंगे, लिख के रख ले अपने पास। अरे कादर भाई, काय का सलाम, काय का एहसान। बस ठीक है, अभी मैं काम में जरा बिजी हूँ, कल आ जाओ, मिलते हैं बात करते हैं। और वार्डरोब लेके आना मिनिस्टर का, सूट वगैरह डायरेक्टर को दिखाएंगे ना भाई। खुदा हाफिज़, खुदा हाफिज़। तू ही हाफिज़ है। कादिर भाई, जरा एहतियात से, सारे सूट न्यू और इंपोर्टेड हैं। अरे हाँ हाँ, फिक्र ना करें, क्या जालिम फिट आई है, लगता है बनाई मेरे लिए हैं? वैसे कादिर भाई, आपका काम कितने दिन का है? हैं? पहला से पहले 3 हफ्ते तो लगेंगे ना, संभाल लेंगे ना। अरे अशफाक भाई, यकीन करें आपकी मोहब्बत है, आपने ना इतनी अर्जेंट कॉल पे ये जो कपड़े ला के मेरी मुश्किल आसान की है ना, भाई की इज्जत रख ली आपने। अच्छा कादिर भाई, लेकिन एक चीज का ख्याल रखिएगा, कपड़े खराब ना हो, कहीं ऐसा ना हो बेइज्जती हो जाए। अरे हाँ हाँ अशफाक भाई, भाई पहले ऐसा हुआ जो होगा, अरे यकीन माने खड़े होकर खुद इस्त्री कराऊंगा और ये कंचा पीस वापस दूंगा। अच्छा ये बताए पैसे कितने? अरे कादिर भाई, पैसों की क्या जल्दी है, दे दीजिएगा आराम से। अरे भाई बात, अच्छा चलो एक काम करते, एडवांस समझ के रख ले यार, बाद में भी तो मैंने देना है। शर्मिंदा कर रहे हैं। सीमा बेगम, सीमा बेगम भाई आ जाओ, हम जा रहे हैं। आ गई, इधर देखे। हाँ। शिकरने की क्या जरूरत, मैं शूट पे जा रहा हूँ, कोई जंग पे तो नहीं। अल्लाह बस आपको इसी तरह खूब तरक्की दे, ढेर सारा नाम और ढेर सारा पैसा कमाए, आमीन। सीमा मेरी बात लिख ले, 6 दिन आने वाले। बस तो फिर मैं सबसे पहले गुंबद खिजरा का दीदार करूंगी। वैसे मैंने सोचा तो ये था कि सबसे पहले अपने लिए हम एक गाड़ी खरीदेंगे, हाँ? लेकिन चल तू क्या याद करेगी, तुझे उम्रा भी करा देंगे। आप ना बस अच्छा सा काम करना, ताकि डायरेक्टर चाहते ना चाहते भी ना आप ही को बुलाए। अच्छा मैंने अच्छा काम करना है, जैसे मैं अच्छा काम नहीं करता। अरे यार एक सेकंड, तू बोल तो यहीं शुरू कर दूं। अरे लाइट्स, कैमरा, एक्शन, एक बार बोल लेते। अरे वड़ा के फेंक दूंगा, ये बड़े बड़े छोटे मोटे खा जाऊंगा, स्क्रीन खा जाऊंगा, तू देख नहीं तो सही। कादर सुपरस्टार कादर, अरे सुपरस्टार कादर।
सुपरस्टार। इंशाल्लाह। सुन मुझे देर हो रही। हाँ देर हो जाएगी, जाएं जाएं जल्दी जाएं। दुआ कीजियो मेरे। हाँ कर तो रही हूँ। अल्लाह हाफिज। हाँ अल्लाह हाफिज। हाँ भाई मम्मी हो गया कादर भाई का मेकअप? जी जी बिल्कुल रेडी हैं। लें कादर भाई ये भी हो गया कंप्लीट। यार अली इंतहाई नॉन प्रोफेशनल एटीट्यूड होता जा रहा है तुम्हारा। क्या मतलब? तुमने हमें फारिग समझा हुआ है क्या? चार दिन से कल 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 की रट लगा रखी है। ओ भाई अगर काम नहीं करना ना तो एक दफा बता दो। हाँ जीते रहो अशफाक भाई जीते रहो। तौबा करो अली तौबा, इतना ऊंचा मत उड़ो। याद रखना हर उरूज के बाद जवाल है। भूल गए वो वक्त? तुम्हारा कैरियर मैंने ही बनाया था ना, याद है जब काम के लिए मेरे आगे पीछे घूमते थे? तुम्हारा कैरियर मैंने ही बनाया था ना, अब इंशाल्लाह मेरे ही हाथों तबाह होगा। अरे काश, अरे अरे भाई काशिफ भाई को क्या हो गया, इतना क्यों चीख रहे? अरे क्या होना है कादर भाई, कुछ नहीं हुआ। वाली है ना अपने ड्रामे का हीरो, दो ड्रामे क्या सुपरहिट हो गए, आसमान से बातें कर रहा है, बहुत भारी हो गया, नीचे ही नहीं आ रहा। अजीब किस्म का आदमी है वो, कई दिनों से मुस्तकिल किस्म की टोपियां दे रहा है, चार दिन से हमें आगे पीछे घुमा रहा है। कभी बोलता है गाड़ी खराब हो गई है, आज पता नहीं कौन सी नई टोपी सोच रहा होगा, दे रहा होगा कोई टोपी। एक बात बताएं कादर भाई, हम लोग क्या पागल दिखते हैं उसको? कब तक करेंगे ये सपोर्टिंग कास्ट के सीन्स? हम यार देख लो यहाँ लोगों को काम नहीं मिल रहा और उसके साले अपने टशन खत्म नहीं हो रहे। अबे भूल गया, अली के करियर का पहला सीन ही मेरे साथ था, याद आ गया? अबे मैंने उसको बताया था कैमरा यहाँ कैमरा वहां है, क्या जानता था वो? देख मैं तुम्हें आधे घंटे का टाइम दे रहा हूं, अगर आधे घंटे के अंदर तुम सेट पे नहीं पहुंचे ना तो मुझे मजबूरन वक्ती तौर पे इस प्रोजेक्ट को बंद करना पड़ेगा। अमेश भाई क्या सीन चल रहा है बता भाई। क्या सीन होगा कादर भाई, देख नहीं रहे नखरे नहीं खत्म हो रहे उसके, बड़े आए। अरे यार शूटिंग लगी हुई है ताओ पे, तू कॉल कर ले। हैं कोई फायदा नहीं होगा, डायरेक्टर की नहीं सुना मेरी हाथ सुनेगा। आजकल ना उसकी दौलत और शोहरत ने उसका दिमाग खराब कर दिया है, चार चार लोगों को टाइम दिया हुआ है, सबके साथ बिजी हो रहा है, वो कमर्शियल अलग फोड़ रहा है और हम यहाँ पे सर फोड़ रहे हैं अपना। कमाल है यार, वक्त बदलता है तो ये लोग कैसे फेरोन बन जाते हैं। अब इनको अंदाजा है कि एक प्रोडक्शन के साथ कितने खानदान जुड़े होते हैं, चूल्हे जलते हैं भाई लोगों के। अब दिहाड़ीदार लोग हैं यार, अब दिहाड़ी कमाते हैं तो घर ले जाते हैं ना, इसको कौन समझाएगा? बस ठीक है अली, अब मजबूरन मुझे तुम्हें कोर्ट में घसीटना पड़ेगा। देख रहे हैं ये होती है हालत मशहूर होने के बाद। ज़ुहेब बंद करो ये शूट, बाहर में क्या ये मेगा सीरियल, पैक अप। मैं तो कहती हूँ किसी सर्कस में ना जोकर का काम कर ले, कम से कम चार पैसे तो घर में आएंगे। यहां पर कौन समझेगा मेरा जुनून मेरा शौक, गले में डाल रखा है नाकामी का मेरे तौक, मेरी जात के अंदर कई किरदार जीते हैं, एक जिंदगी में मेरी कई जीवन यूं बीते हैं।
मायूस लौट आया हूं। शौक की सीढ़ी से मैं होकर जमाने ने बना दिया है एक अदाकार को जोकर। ये जिंदगी